Welcome friends, in this video we shall be talking about how to prepare introductory microeconomics paper for exams. One thing which you should keep in mind कि ये जो final exam आप दे रहे होते हो, आखिरी की जो तैयारी होती है उसके लिए है ये तरीका. In general तो obviously आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए. तो आइए मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं. सबसे पहले चैप्टर 4 पढ़िएगा, मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. सिर्फ मेरे दो वीडियोज देखिएगा, वीडियो 1 वीडियो 2 जो प्लेलिस्ट में है. रीडिंग्स देखने की भी जरूरत नहीं है. उसके बाद चैप्टर 5 इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, तीन वीडियोस देखिएगा जो मेरे बनाई हुई है, वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3. उसके बाद रीडिंग्स में से दो टॉपिक करिएगा, पहला इलास्टिसिटी एंड टीआर अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व एंड देन 3 एप्लीकेशंस ऑफ सप्लाई डिमांड एंड इलास्टिसिटी. देन यू शुड बी डूइंग चैप्टर 6, द नेम इज सप्लाई डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसी. जस्ट डू टू वीडियोस, वीडियो 1 एंड वीडियो 2. From readings, you have to do all the case studies. Case studies will include like minimum wage law, rent control, all of that. Tax and elasticity and tax incidence. After that, chapter number 7, consumers, producers and efficiency. Ek video dekhiye, readings dekhne ki zarurat nahi hai. Chapter 8, application, the cost of taxation. Video dekhiye, readings mein se kariye, deadweight loss and determinants and Laffer's curve. चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड, मेरी वीडियो देखिए, रीडिंग्स में से पढ़िए, गेन्स एंड लॉसेज ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री, गेन्स एंड लॉसेज ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री एंड इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ. चैप्टर 21 उसके बाद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस, तीन वीडियोस देखिए और रीडिंग में से करना है एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स ऑफ आईसी एंड इनकम और सब्सिट्यूशन इफेक्ट, जहां पर वो टॉपिक है टिल एंड, तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 13 The cost of production. Video 1 देखिए, 2, 3, 4, 5 देखिए, readings की जरूरत नहीं है. Chapter 14 Firms in competitive markets. Video 1 देखिए, एक ही video है, readings में से देख करना है MC curve, firm supply decision, supply curve in a competitive market and why the long run supply curve might slope up or what. चैप्टर 18 मार्केट फैक्टर्स, मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक ही वीडियो है वो देखिए, रीडिंग्स में से सिर्फ पढ़िए इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट टिल एंड, वो एक दो केसेस दिया हुए हैं. फिर करना है चैप्टर 15 मोनोपोली, एक ही वीडियो है वो देखिए, रीडिंग्स में से करिए वेलफेयर कॉस्ट ऑफ मोनोपोली एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसके बाद चैप्टर नंबर 1 और 2 और 3 ये थ्योरी है, ये रीडिंग्स में से पढ़िएगा. इसके बाद मेरा एक वीडियोस देखिएगा न्यूमेरिकल एंड एप्लीकेशन क्वेश्चन, इसमें पूरे सिलेबस के न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन क्वेश्चन होंगे विच शुड हेल्प यू लाइक एनीथिंग. और फिर पास्ट पेपर्स करने हैं बेटा 2008 से लेकर टिल डेट. और अंत में बेस्ट ऑफ लक. लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, ये मेरा नंबर है, अगर आपके पास नोट्स ना हो, आपके पास पास्ट ईयर पेपर्स ना हो, कोई भी हेल्प, कोई डाउट हो मेरे बच्चों, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना. और फ्री है बेटा, कोई पैसे नहीं है इसके, आप अच्छे मार्क्स लो बस वही पैसे हैं हमारे. तो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ब्लास्ट.